अजान और भी बंद हो जाएंगी, नमाज और भी बंद हो जाएगी और वोट की पावर खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान का ये आखिरी इलेक्शन हो। काश हमारा फैसला गलत हो गया तो ये जिंदगी भर इलेक्शन नहीं कराएंगे, हमारी वोट की पावर भी छीन लेंगे। और जब वोट की पावर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हम चुनाव भी नहीं लड़ सकते, हमारा कोई एमएलए नहीं हो सकता, हमारा कोई एमपी नहीं जीत सकता। जीतेगा तो अलग, जब हमारा वोट नहीं होगा तो हम लड़ेंगे कैसे चुनाव? तो ये इनकी साजिश है कि हिंदुस्तान में कब्जा हो जाए आरएसएस का, क्योंकि मुल्क की आजादी के बाद से मुल्क में ये आरएसएस के लोग हिंदुस्तान की जो जंग आजादी लड़ रहे थे, हमारे उलमा इकराम, हमारे बुजुर्ग, ये उनकी मुखपरिया करते थे, ये अंग्रेजों से उनको गिरफ्तार कराते थे, फांसियां लगवाते थे ये लोग।